एंड दूसरा भी मेरा एक प्लान है कि मैं अपनी हल्क सेल करने वाला हूँ, अपनी आरंभ है V3। एक मिनट, एक मिनट, प्रकाश भाई का लास्ट वाला डायलॉग बोलो। लास्ट वाला बेस्ट था। एक फेजर वाला हमारा पीछा कर रहा है, बार बार ओवरटेक कर रहा है पीछे ही है। सो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हो गए। तो हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है एंड आज टीएसओ का काम तो होगा शाम को, क्योंकि जाना है मार्केट में थोड़ा सा एसेसरीज खरीदने गाड़ी का भी, एंड रेजिन जो फाइबर का केमिकल आता है रेजिन, वो ख़त्म हो चुका है। बॉडी पार्ट तो सब कुछ बन चुका है, बट क्या है कि जहाँ पे कट होती है उसको रिपेयर करके मैच करना है। ओके, बट क्या थोड़ा बहुत तो रहेगा, बट हमारे पास थोड़ा सा भी रेजिन नहीं है, तो रेजिन लेने के लिए जाएंगे। एंड कहाँ गए हमारे प्रकाश भाई? प्रकाश भाई रहे। एंड प्रकाश भाई का वीडियो हमने कल अपलोड किया था प्रकाश भाई के चैनल पे, एंड मैंने मेरे व्लॉग में बताया था कि प्रकाश भाई के चैनल को जाओ सपोर्ट करो। एंड वीडियो उतना अच्छा था ना कि मैं खुद हंसे बिना नहीं रह पाया। सच बोलना कि आपको व्लॉग कैसा लगा प्रकाश भाई का? अच्छा लगा, अच्छा लगा। सही में बताना, सही में बताना, ऐसा नहीं है, सही में बताना, सही सही बताना, सही बताना। ये हमारा गणेश काका है, गणेश काका। अच्छा लगा, अच्छा लगा, हां अच्छा लगा। ये प्रोजेक्ट कैसा? लास्ट 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 एक मिनट, एक मिनट, प्रकाश भाई का लास्ट वाला डायलॉग बोलो। लास्ट वाला बेस्ट था। बट वो तो गलती से निकल गया था मुंह से, ऐसा नहीं था, मतलब रियलिटी थी। ब्लॉग सबको बनाते हैं, उसमें बीच बीच में ऐसा होता रहता है, वो लोग कट कर देते हैं कभी कभी, मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है, मैं कट कर देता हूँ। बट आईने रखा नो कट नो एडिट सिंपल ब्लॉग, उसमें मजा आ गया। तो सोच लो आगे बहुत मजा आने वाला है प्रकाश भाई के यूट्यूब चैनल पे। तो प्रकाश भाई कैसा लगा? अरे बहुत, फर्स्ट वीडियो था और इतना ग्रो हो गया। देखो प्रकाश भाई का फर्स्ट वीडियो देखो, उसमें 1 घंटे में 1000 व्यू फर्स्ट वीडियो पे, तो कैसा लगा प्रकाश भाई? थैंक यू सो मच। अरे भाई उसमें क्या है, तो हमारी इतनी हेल्प करते हो तो इतना तो बनता है। तो प्रकाश भाई के भी यूट्यूब चैनल पे वीडियो आते रहेंगे, चाओ एंड सपोर्ट करो। अभी हम जाने वाले मार्केट में, प्रकाश अभी साथ में आ रहे हैं, जाएंगे मिर्ज़ापुर में, वहाँ पर छोटा काम है। आपको नई नई एसेसरीज भी दिखाएंगे, आई थिंक 3 से 4 महीने हो चुके हैं, आपको अपडेट नहीं दिया कि क्या क्या नया सामान आया हुआ है बाइक के रिगार्डिंग वो। एंड उसके बाद नारोल अपना सामान लेने के लिए, आने के बाद काम चालू टेरेज़ो प्रोजेक्ट का। तो जाएंगे अपन अपनी हल्क लेके, R15 लेके, एंड 10 लीटर या 15 लीटर हमको रेजिन लाना है। तो छोटा सा कहना है कि प्रकाश भाई 15 लीटर का पीछे बैठ जाना, एक्टिव लेके जाएंगे ना तो लेट हो जाएंगे। चलो बड़ा कैन रहता है ना 35 लीटर का, तो एक्टिव लेके जाना पड़ता है, बट इसमें चलेगा। तो सबसे पहले जाएंगे ATM में, कैश ख़त्म हो चुका है यार, इतना सारा मटेरियल लाए अपन फाइबर का, बहुत सारा। चलो ATM का तो काम ख़त्म हो चुका है, अभी डायरेक्ट जाना है मिर्ज़ापुर, उसके बाद नारोल, एंड उसके बाद वर्कशॉप पे वापस। एक फेजर वाला हमारा पीछा कर रहा है, बार बार ओवरटेक कर रहा है पीछे ही है। यार देखो मेरे सामने देखो BBT, और यहाँ से लेंगे अपन लेफ्ट मिर्ज़ापुर के लिए। मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे बेनली सेल करनी थी 1000 cc बाइक लेने के लिए, बट अभी क्या है कि प्रोजेक्ट ख़त्म ही होने वाला है, एक बार प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाने दो, बस 1 या 1.5 या 2 महीने लास्ट में लास्ट रिलैक्स होके कोई अच्छी सी बाइक खरीदेंगे। अभी मैं बहुत भागदौड़ में हूँ, सच में बहुत ही भागदौड़ कर रहा हूँ प्रोजेक्ट के लिए। एंड दूसरा भी मेरा एक प्लान है कि मैं अपनी हल्क सेल करने वाला हूँ, अपनी आरंभ है V3, बहुत सारे प्लान सोच कर रखे हुए हैं, बट प्रोजेक्ट में टाइम ही नहीं मिलता यार, बाहर ही नहीं निकल सकता मैं। सुबह उठो प्रोजेक्ट, शाम को घर जाओ एडिटिंग, वही काम, बट कोई नहीं, खत्म होने वाला है प्रोजेक्ट। तो गाइस अभी अपन समीम भाई के शॉप पे आ चुके हैं मिर्ज़ापुर में, बहुत दिन बाद, बहुत दिन मतलब बहुत महीने बाद, 3 महीने हो चुके हैं मैं यहाँ पे नहीं आया था। एंड यहाँ पे देख लो बहुत सारी एसेसरीज आ चुकी है अपनी सभी बाइक के लिए, R15 के लिए एंड सभी बाइक के लिए बहुत सारी एसेसरीज आई हुई है, आपको दिखाते हैं। एंड मैं सबसे पहले ये वाला एग्जॉस्ट को देख लिया, यहाँ पे रखा हुआ था ऑस्ट्रेलियन रेसिंग एग्जॉस्ट, पता है किसके लिए?
अपनी मेलनी में आवाज तो अच्छे से आती है बट उससे भी लाउड आवाज हमको चाहिए, तो ये वाला एग्जॉस्ट लाउड आवाज करेगा एंड ब्लैक कलर है तो अपनी मेलनी में मैच हो जाएगा। तो ये सही है, ये अभी एक रफर रखेंगे, ये वाला क्लैंप भी रखेंगे, माइक्रो फाइबर क्लोथ मैंने अपनी मेलनी में क्लीन करने के लिए चलेगा। कपड़ा कपड़ा है रुमाल जैसा, अच्छा है, फाइबर क्लोथ सही है। कितने का है देखो? 320 रुपये, 320 रुपये का एक रुमाल सिर्फ बाइक साफ करने के लिए। क्या जेब क्लीन हो जाएगी? बाइक तो क्लीन होगी ना। चलो ये भी एक ले लेंगे अपने के लिए। समीम भाई बहुत दिन बाद, कैसे हो? बहुत बिजी हो यार आप। अरे प्रोजेक्ट में नहीं है सब, यहाँ पे दुकान वाला आ रहा है कि धवल भाई आ रहा है कि नहीं आ रहे हैं? नहीं नहीं अभी आएंगे कंटिन्यू। एंड ऑडियंस को बताओ कि क्या क्या नया सामान आया हुआ है एंड जो भी पुराना था उसमें क्या डिस्काउंट हुआ है वो सब बता दो। डिस्काउंट तो आप जब भी आते हो मैं डिस्काउंट करते रहता हूँ, वो सही है। सब्सक्राइबर्स जो भी होता है आपको बेनिफिट मिला है। इस बाइक की क्वालिटी भी बढ़िया है, हर चीज बढ़िया आएगी। इस बार देखो मेरे पास हर बाइक की बैंड पाइप है। ओके ये एक्सपल्स की बैंड पाइप है, आपको R15 की भी मिल जाएगी, version 3 version 4। ओके ये version 4 की बैंड पाइप आएगी, V4 की। V4 की रेट बिल्कुल अपने कम रखा है। क्या रखा है रेट? 2000 रुपए में। चलो सही है, ये आपको ऑल ओवर इंडिया में 2500 से कम में नहीं मिलेगा। और ये क्वालिटी नहीं, ये बढ़िया क्वालिटी है, हेवी क्वालिटी है। इसमें आपको सेंसर वगैरह आप लगा सकते हो। ओके ठीक है, और इसके अंदर यामा FZ है, FZ के हर वर्जन का मेरे पास बैंड पाइप है। अपाची का भी है, जिक्सर का भी है। ओके ओके और BMW का भी है, हर बाइक का बैंड पाइप मिल जाएगा आपको। ओके एकदम होलसेल रेट में, वैसे BMW में बाइक में लगता है बरोबर, आप हर बाइक में लगा सकते हो। 800 रुपए। हेडलाइट के लिए बल्ब आया विद गारंटी, 1 ईयर गारंटी। ओके 50 वॉट्स, 50 वॉट्स इसका रोशनी भी बता दो आपको। हाँ इसका आपका आंखा क्या चाहिए धवल भाई, बहुत ही पावरफुल है वो, जेन्यून 3 साल का गारंटी के साथ, 3 साल का गारंटी। आपको 2 पीस 1800 में पड़ेगा, 2 पीस 1800 में। हाँ ओके सही है, जेन्यून 9Z का ओरिजिनल है, 100% जेन्यून। ये गारंटी कार्ड आएगा, इसके ग्लोव आएंगे। ओके दो लाइट, नाइट आई का बल्ब पर दो लाइट आएगा। ओके नाइट आइट जेन्यून, जेन्यून ओरिजिनल है इसका, 1800 में 2 पीस। नहीं वाला कौन सा? ये आपके लिए 700 का करेगा, एक पीस 700-800 रुपए का एक पीस पड़ेगा, समझो। ओके ओके तो फिलहाल मैंने MT50 का रखा हुआ है। चलो गाइस देख लो MT का क्रिश गार्ड, MT50 है वैसे, इसको जॉइंट किया हुआ है, इसके स्लाइडर रहेंगे, स्लाइडर और क्रिश गार्ड दोनों साथ में आएगा। और रेट भी बिल्कुल कम रखा हुआ है, 2000। क्या बात है, हैवी क्वालिटी, बैंगलोर की क्वालिटी आएगी, बेस्ट आएगी। MT का है बाकी सब बाइक का, हर बाइक का R15 version 3 है, version 4 है, version 4 का भी आपको 2000 में मिलेगा आपको। ओके ओके और 7000 में अपने मैक्यूल बेच रहे हैं, 7000 रुपए में। ओके ठीक है, कोई भी बुलेट का सिंगल डिस्क ब्रेक ले लो, डबल डिस्क ब्रेक ले लो विद गारंटी, गारंटी के साथ 7000 ओनली, 7000 रुपए में मैक्यूल। सिंगल सीट भी हो जाएगा, डबल सीट भी हो जाएगा। ओके मतलब फिटिंग करने के बाद अपने आप, हां फिटिंग करने के बाद ज्यादा ऑपरेट करने में इजी रहेगा आपको। ओके ओके एकदम हैवी क्वालिटी है। ओके क्या रहेगा रेट इसका? ये आपको 28 का पड़ेगा, 28 2800 आपको ऑनलाइन, हाँ 3000-3500 से कम में नहीं मिलेगा। ओके ओके और क्वालिटी बढ़िया है, सही है। अब इसका वजन उठाओ धवल भाई, वजन तो है, वजन हर बार ये तो होता ही है, क्योंकि इसकी डिमांड ही ऐसी है, इसकी डिमांड ये आपने जो चॉइस कर लिया है। अगर आप एक स्टिकर आएगा, स्टिकर साथ आएगा एंड एग्जॉस्ट देख लो आप, फुल्ली कार्बन फाइबर, पूरा कार्बन फाइबर। इसके अंदर मल्टी मिल जाएगा, सिल्वर मिल जाएगा और कंप्लीट ब्लैक, तीन कलर आते हैं इसमें। ये 3800 का पड़ेगा, 3800 बढ़िया रेट है ना, सही सही है, पहले बहुत था अभी कम है, क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। इसमें रेट कम किए हुए आरओएम के मिरर, टेनर आरओएम में आते हैं वो, हां उसके मिरर का यहां से पूरा मूवेबल है वो, आपको पता है आपका सब प्रोडक्ट। ओके ओके क्या रहेगा इसका रेट? 1900 कैमरा, क्या 4K एक्शन कैमरा, हां का कितना पड़ेगा ये? 5K 5000 में कैमरा, एस्टिंग रेसिंग का साइलेंसर, एस्टिंग रेसिंग का एग्जॉस्ट, ये मिल जाने वाला अभी, अभी ले जा रहा हूं, हां अपनी बेनेली के लिए, बेनेली के, हां ठीक है। तो बॉस लिखे लाएगा, किंग्स लिखे लाएगा, हां बॉस किंग लिखा हुआ है, गिनेस है, हां ये आ रही है। इसके अंदर आपको रेड भी होगा, ऑरेंज भी होगा, ये व्हाइट रहेगा, व्हाइट जैसे आप इंडिकेटर्स करोगे तो ये हो जाएगा। हां बेटा ऑरेंज का आपको 1000 का पूरा सेट पड़ेगा, 1000 रुपए का सेट, चार पीस, चार पीस आएगा, हाँ चार पीस आएगा। ये विंग्स है ना? हाँ विंग्स, विंग्स यूनिवर्सल विंग्स है, यूनिवर्सल विंग्स है, कोई भी बाइक में कहाँ पे भी लगा सकते हो, 450 के विंग्स आएंगे यूनिवर्सल, कोई बाइक में लगा सकते हैं, सही है। हाइड्रोलिक लीवर ब्रेम्बो के,
रैम्बो क्या है? 23 2300 में, 2300 में हाइड्रोलिक लीवर, हाइड्रोलिक लीवर। हिमालयन वाला कस्टमर क्या करता पता आपको? हाँ। अलग से एक्सटेंडर लगाता है। अच्छा। क्योंकि उसका ग्लास छोटा पड़ता है, इसके अंदर व्हाइट और ब्लू ब्लैक दोनों हुए मेरे पास। ये 700 का सिर्फ रेट है, 700 रुपए का, 700 रुपए में। डीआरएल लाइट देख लो, 5 मीटर लंबी लाइट है। हाँ, ये हर बाइक में मतलब इसका रोल बन जाता है, मतलब एक्सेस में भी ज्यादा चला है इसका ट्रेंच। R15 वाले तो वैसे करते ही है। ऐसा लुक आएगा लाइट का, हेडलाइट के अंदर फिटिंग होता है, यहाँ पे फिटिंग करके देंगे आपको, यहाँ पे फिटिंग करके देंगे। क्या रेट पड़ेगा फिटिंग के साथ, लाइट के साथ? फिटिंग के साथ आपको 1400 का पड़ेगा, 1400 रुपए का, विद टैंक पेड भी आया हुआ है। टैंक पेड KTM, हिमालयन, MT सब बाइक के लिए है, डोमिनर्स वगैरह सब बाइक के लिए। ओके ओके। मिरर्स है, मिरर्स है, ये हंटर वाले ज्यादा लगाते हैं, हंटर वाले। और सब वो जो प्रोडक्ट तो सब ऑलरेडी स्टॉक में ही है। ओके, इंडिकेटर देख लो, इंडिकेटर फ्लैश। हमने आपको बताया कि यहाँ पे एक्सेसरीज मिलेगा, ऑनलाइन भी मिलेगा, एंड यहाँ पे आके भी आप फिटिंग करवा सकते हो। तो यहाँ का परफेक्ट एड्रेस बता समीम भाई, एड्रेस क्या है यहाँ का? एड्रेस अपने मिर्जापुर म्युनिसिपल मार्केट, 4 रास्ता, बाइकर्स पॉइंट करके बाहर बोर्ड लगा हुआ ये। एंड आपको नंबर भी एक बार बता देते हैं समीम भाई का नंबर, कोई भी चीज़ चाहिए यहाँ की, कोई भी बाइक की फोटो भेज देना, आपको ढूंढ के कहीं से भी ला देंगे। तो आपका व्हाट्सएप नंबर व्हाट वाला? 9724078503। नंबर नोट कर लेना, लोकेशन का लिंक एंड मोबाइल नंबर सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एड्रेस के साथ। देखो वो ब्रिज आया, कौन सा ब्रिज है? टिकटॉकर का घर है। किसका घर? टिकटॉकर का। टिकटॉकर या रील्स? हाँ, रील्स वाले का, रील्स वालों का घर है। यहाँ पे रील्स बहुत बनती है, इसको बोलते हैं अटल ब्रिज। कुछ भी बोलो, प्रकाश ब्रिज जो बोलते हैं ना वो खतरनाक बोलते हैं। हम कभी नहीं आए इधर, आएंगे कभी फ्री हो गए ना तो आएंगे, रहते हैं अहमदाबाद में बट यहाँ पे आ नहीं सकते, टाइम नहीं मिलता यार। तो अभी अपन नारोल के लिए निकल चुके हैं, मिर्जापुर में हमारा काम खत्म हो चुका है। वेस्टर्न रेसिंग का एग्जॉस्ट पसंद आ गया तो वो हमने ले लिया है अपनी बेनली के लिए। बेनली में साउंड आती है, और लाउड करेंगे। नारोल नारोल मैंने खुला है, बंद नहीं किया है, रेजिम मिल जाना चाहिए बस। अरे कोई है इधर?